अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया, इसमें हम बात करने वाले हैं कि पंजाब पुलिस में कब तक जो है वो न्यू जॉब आ जाएंगी, इसका क्या तरीका कार होगा, अभी जो करंट सूरत हाल है पंजाब पुलिस की भर्ती की वो क्या है। और काफ़ी ज़्यादा लड़कों ने सवाल पूछा है, हालांकि ये वीडियो बनती ही नहीं है क्योंकि इसमें पहले ही पंजाब पुलिस की जो जो न्यू भर्तियों का प्रोसेस है वो चल रहा है। और इसके अलावा जो हम बात करने वाले हैं कि न्यू जॉब कब तक आ जाएंगी, अंदाजन कितनी देर लग सकती है, और उसके अलावा ये भर्ती का जो प्रोसेस है इसमें फेज़ टू भी है, और अभी की जो भर्ती है वायरलेस ऑपरेटर की, SPU की, ट्रैफिक असिस्टेंट की, PHP की, तो इनका जो भर्ती का प्रोसेस है वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अभी जो करंट सूरत हाल है, अभी देखें 2024 में दो भर्तियां आई हैं, फेज़ वन जो है, पहले फेज़ वन और फेज़ टू जो है पंजाब पुलिस में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल की थी, ट्रैफिक असिस्टेंट की थी, ड्राइवर हजरात की भर्ती थी, वो जो भर्ती है वो अभी वो भी रहती है। उसका फेज़ टू जो है, अभी फेज़ वन और फेज़ टू का मेडिकल जो है वो रहते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन तकरीबन काफ़ी ज़िला की हो चुकी है, लेकिन अभी मेडिकल जो है वो स्टार्ट नहीं हुए, और ना ही अभी जो लाहौर रीजन का भी मेडिकल अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लड़के जो है अलहदा पूछ रहे थे जी मेडिकल कब तक स्टार्ट हो जाएगा, तो किसी भी वक्त शुरू हो सकता था, लेकिन अभी जो मुहर्रमुल हराम आ गया, तो इसके हवाले से जो तकरीबन ये महीना है ये तकरीबन मुश्किल हो जाना है न्यू भर्ती की आमद के लिए, तो ज़ीरो चांस है। दूसरी तरफ अभी जो अभी भर्ती है ये भी तकरीबन इसमें काफ़ी हद तक PHP की जो फाइनल मेरिट लिस्ट हैं, SPU की फाइनल मेरिट लिस्ट लग चुकी है, SPU के जो है वो इंटरव्यू जो है वो PHP के इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं हर रीजन में। दूसरी तरफ अभी वायरलेस ऑपरेटर जो है उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो अभी नहीं जो है अनाउंस की। तो ये अगर ये भर्ती का प्रोसेस जो है वो चलता है, तो इसके लिए कमोपेश 1 से 2 महीने जो है इंटरव्यू कंडक्ट करना है, फाइनल मेरिट लिस्ट लगने, ये तो भर्ती का प्रोसेस इसका लगेंगे। उसके अलावा जो इसके बैक साइड पे भर्ती है उसका मेडिकल, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन, उसकी न्यू ज्वाइनिंग, उसके लिए भी तकरीबन जो है 1 से 2 माह तकरीबन भर्ती का जो पूरे पंजाब का प्रोसेस मुकम्मल होते होते उनकी भी लग जानी है। तो ये जो है 7वां महीना जा रहा है, तो तकरीबन 10वें 11वें महीने तक ये भर्ती के तमाम जो प्रोसेस है वो जो अगर शुरू रहता है ठीक है तो मुकम्मल होगा। तो उसके बाद इनकी जो है ट्रेनिंग का मरहला आता है, तो ट्रेनिंग जो है अगर ये लड़के जो है ट्रेनिंग होंगे तो फिर ही न्यू भर्ती आने के ज़्यादा चांस हैं। और उसके अलावा ऐसा तो होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा, अभी भी आपसे पहले जो भर्ती हुए हैं उनके काफ़ी लड़के जो हैं वो भी अभी ट्रेनिंग करने वाले रहते हैं, तो ये भर्ती का प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा हो जाना है। 2023-24-25 में जो है न्यू भर्ती आने के चांस हैं, और ये भी स्टार्ट में नहीं तो मिड में आने के ज़्यादा चांस है, मेरा जो अपना अंदाज़ा है ठीक है। हो सकता है ये गलत भी हो ठीक है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता। उसके अलावा IG साहब अगर जो जिस तरह वर्क कर रहे हैं, तो चांस हैं कि ये किसी भी वक्त जो है न्यू अपॉर्चुनिटी की, जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है उनको बना सकते हैं। और उसके अलावा ये भर्ती का जो प्रोसेस चल रहा है इसमें प्रमोशन के हवाले से इन्होंने बहुत सारा काम किया, जिसकी वजह से अभी जो कांस्टेबल की भर्ती है वो तेज़ी से काम कर रही है। इसमें यहाँ तो ना ही डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती किए गए हैं, ना ही ASI जो है लेवल पे जॉब आई, ये फ़ायदा है ठीक है। अगर ये न्यू जब डायरेक्ट जो भर्ती थी वो सब इंस्पेक्टर की या ASI की कर लेते थे, तो फिर डिपार्टमेंट की जो प्रमोशन थी वो बहुत स्लो हो जाती थी। बहुत ज़्यादा लड़के थे जो होते थे वो जॉब हासिल करने के बाद जब इसकी प्रमोशन के हवाले से देखते थे, तो तकरीबन जो है वो जॉब छोड़ के बाहर जाने की ज़्यादा कोशिश करते थे, या किसी और दूसरे अदारे में काम करने की ज़्यादा तरजीह देते थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस साल सबसे ज़्यादा जो जॉब्स आई हैं वो पंजाब पुलिस में ही आई हैं कॉन्स्टेबल की। तो इसमें इसकी पीछे और भी एक हम वीडियो बनाएंगे इसकी सैलरी के प्रमोशन के हवाले से, वीडियोस तो बहुत बनी पड़ी हैं ठीक है। तो जो मेरी मेन बात है, आप तकरीबन समझ चुके होंगे कि ये जो भर्ती का प्रोसेस है, तो तकरीबन जो बहुत फास्ट भी हुआ तो 10वें और 11वें महीने में ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होना है। तो भर्ती जो है वो 2025 के मिड टर्म में आने के ज़्यादा चांस है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।